फिलहाल मैं कथा पंडाल में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं लव कुश जो द्वार है वो कार्यकर्ताओं के लिए और जानकी द्वार सामान्य लोगों के लिए, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो गाड़ी को आप यहाँ वहाँ खड़ा मत करना, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ वहाँ अगर आप गाड़ी खड़ा करेंगे तो ये उनको ले जाएगा, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ आने से पहले मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता चलूँ, तो अब मैं आपको पंडाल का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो जय श्री राम बोलते हुए हम चलते हैं अंदर और आप देख सकते हैं पंडाल काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। तो पंडाल के अंदर का दृश्य मैंने कल आपको दिखाया था, अंदर के बारे में पूरा बताया था, कहाँ से बागेश्वर धाम जी आने वाले हैं सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस समय भी आप देख सकते हैं भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आए, और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं और काफ़ी संख्या में हैं। लगभग मैं बता दूं तो लगभग 70-80 हज़ार या फिर 1 लाख तक हो सकते हैं, अनुमान के हिसाब से मैं आपको बता दूं 1 लाख तक तो हो ही सकते हैं। 3 पंडाल पूरी तरीके से भरा पड़ा आपको दिखाई देगा और यहाँ सभी लोग कथा को सुनते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी आपको दिखाई देंगे, वो आ चुके हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वो पीछे से एंट्री लेते हैं, तो आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं और जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है पिक्सलाइजेशन जो है वो आपको कम दिखाई देगा, लेकिन देख सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी आपको नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ जो है VIP पास भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आने में मुझे डिले हो गया, इसलिए जो है मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी जगह LED पैनल लगाए गए हैं ताकि किसी को भी देखने में परेशानी ना हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और देख सकते हैं मैं सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और चारों तरफ आपको कार्यकर्ता देखने के लिए मिलेंगे। और खाने की रहने की व्यवस्था नहीं है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, तो देख सकते हैं पंखा भी लगाया गया है और पंडाल बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है आप देख सकते हैं, और सभी लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बहुत सारे लोग और आते जा रहे हैं और देख सकते हैं नाता पर चर्चा चल रही, संबंध पर भगवान की भगवान से संबंध जोड़ क्या भगवान जी आएंगे इनका नहीं। तो ये है पीछे का पंडाल, आप देख सकते हैं पीछे के पंडाल को भी बनाया गया है ताकि सभी लोग आके यहाँ बैठ के सुन सकें देख सकें, पैनल भी लगाया गया है आप देख सकते हैं, तो पीछे के पंडाल में आपको भीड़ कम दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया और सब जगह आपको LED पैनल भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन
तो अगर आपको पास में जाकर बैठना है तो उसके लिए VIP पास की जरूरत पड़ी। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।